हाँ जी सर, आप इतनी दूर आके मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या माना जाए? नहीं, कहाँ से दूर आके बीजेपी में दिख नहीं रहे आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, ये बीजेपी की मीटिंग थी आज, और बल्कि आप अभी आए हैं, जो इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, और जो हमारे सह प्रभारी हैं श्री कृष्णलाल पंवार जी, राज्यसभा सांसद, वो भी थे, और आज हमारे जितने साथी हैं उनके साथ आज मीटिंग की गई है, और चुनाव प्रचार में पूरे ज़ोर शोर से सब जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बड़ी जीत दिलाने में अपना योगदान दे, इसी बारे में चर्चा की गई थी। नाराज़गी थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है? नाराज़गी तो जी मानव स्वभाव है, थोड़ी बहुत चलती रहती है, मेरे को तो नहीं है, लेकिन लोग कुछ दोस्तों को थी कुछ। अच्छा, मनाली है या अभी है? ना ना, मैंने वो तो मेरे साथ उनका दिल से जुड़ाव है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो उसी नाते आज मिले थे और सब पूरे जोर शोर से प्रचार करेंगे। बड़े आप, आपके सामने ही भव्य ने चुनाव लड़ा जी लोकसभा का, तो आप मानते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप जुट पाएंगे, आपको एक मत हो पाएगा सारा? नहीं देखिए, चुनाव जो पिछला चुनाव था वो उस समय तो अलग पार्टी में थे, तो जैसे और मैं भव्य नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया था, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो पार्टी के नाते बिल्कुल उनको जिताने में पूरी मदद करेंगे। बड़े चौधरी साहब कब आएंगे मैदान? उसका जवाब वही दे सकते हैं, उनके लिए मैं जवाब दे ही नहीं रखता। मैं परसों आ रहा हूँ जी दोबारा, और परसों से प्रोग्राम है। आज वर्करों ने कोई नाराजगी जताई थी कि किस तरह से? तो कुछ मन मुटाव था, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के बैनर पोस्टर वगैरह लगे थे उस टाइप की छोटी चीज़ें, मैंने कहा इनको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इस संबंध में था कुछ लोगों को मलाल। सांसद, आप सांसद हैं, हिसाब के जी प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो लगना चाहिए था, जो नहीं लग पाया। हाँ जी, मैं उसको लेकर के भी नहीं, वही और मैं उसमें यही कहता हूँ कि आदमी को शिष्टाचार जरूर निभाना चाहिए, पार्टी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो एक जिसको आप प्रोटोकॉल कह लें या शिष्टाचार कह लें, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा मुद्दा कुछ नहीं होता लेकिन बन जाता है। ब्रजेंद्र जी, पोस्टर या नाम की बात करें, ये मुद्दे तो पहले भी आते रहे, जब मुख्यमंत्री चौटाला कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं हिसार के आसपास, या फिर उचाणा की बात करें तो वहाँ के स्थानीय सांसद का या विधायक का नाम कई बार नहीं होता, बहुत दफा इस तरह के मामले देखे जाते हैं। नहीं, खास तौर पे ये शुरू में ज़रूर ऐसा हुआ था, और उसके बाद मेरे को वैसे तो खुद कोई शौक नहीं है पत्थर पे या प्लेट पे अपना नाम लिखा देखने का, लेकिन वही शिष्टाचार प्रोटोकॉल के नाते होना चाहिए, ये सरकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लोकल एमपी है, एमएलए है, उनका बिल्कुल किसी भी शिलान्यास या उद्घाटन पे ज़रूर नाम होना चाहिए, तो मैंने उस समय चीफ सेक्रेटरी को ज़रूर लिखा था, और उसके बाद उसका सख्ती से पालन भी किया गया था। तो गठबंधन भी नाराज है कि हमारे पोस्टर भी नहीं लगाए जा रहे? वो गठबंधन जाने जी, गठबंधन से तो थोड़ी बहुत नाराज़गी चलती रहती है, कोई नई बात नहीं। तो नतीजे क्या देख रहे हैं फिर? नतीजा तो फोरगॉन कंक्लूजन जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं वो है, सवाल तो सिर्फ इतना है कि जीत बड़ी कितनी होगी, जीत के बारे में किसी को कोई शक हो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जी, आप बीजेपी के सांसद हैं, आज बीजेपी ने कई जिलों में जिला परिषद की सूची जारी करी है कैंडिडेट्स की, और जेजेपी का कहीं कोई नाम नहीं है, अलग अलग लड़ रही है जेजेपी, जेजेपी भी अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है? नहीं, अब उसके बारे में मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मुझे सूचना नहीं है कि ऐसा कुछ है। हालांकि इस प्रकार की स्थिति एक बार पीछे जब म्यूनिसपैलिटी के चुनाव आए थे तब भी उत्पन्न हुई थी, तो अब क्या होगा या आने वाले समय में क्या होगा देखते हैं। ठीक नहीं चल रहा है। सिरसा में उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सिरसा में 24 वार्ड है जिला परिषद जी, और 24 के 24 में बीजेपी ने आज अब सूची जारी करी है, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि वहाँ जेजेपी भी सूची जारी कर रही है। आज श्रीमती सुनीता दुग्गल हिसार से, जो सिरसा से जो सांसद हैं वो भी आदमपुर प्रचार में आई हुई हैं, ये सवाल उनसे पूछें तो बेहतर रहेगा, उनका क्षेत्र है, उनका हल्का है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं है।
बिजेंद्र जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि जब आपको टिकट मिली थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो ये कहते हैं कि परिवारवाद की हम राजनीति नहीं करते, लेकिन आपको टिकट मिलने से पहले चौधरी बिजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया अपने पद से, तब जाकर आपको टिकट मिली। इसी नजर में आप कुलदीप बिश्नोई यानी कि बजनला परिवार को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उनके बेटे चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई के आने से हमें फायदा होगा, कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात नहीं है, क्योंकि वहीं आपकी जब देखा जाए तो आपको टिकट देने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये परिवारवाद वाली जो बात है, मैं शायद ठीक आदमी नहीं हूँ जिससे सवाल पूछा जाए। हालांकि मेरी तो खुद की जो जद्दोजहद थी मेरी ज़िंदगी की, वो यही थी कि मैं अपना कुछ ऐसा करूं कि लोग ये ना कहें कि ये फलाने का छोरा है। लेकिन मेरा इससे पीछा नहीं छूटा है। आज के दिन भी, ख़ास तौर में राजनीति में आने के बाद, मेरे को भले ही लोग पूर्व IAS की संज्ञा ज़रूर देते हों, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के के हिसाब से ही ज़्यादा जानते हैं, तो उससे भागा नहीं जा सकता। हमारा जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश जो है, राजनीति भी उसका उसके अंदर वो झलकता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ये सोचें कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने कई कई साल